लड़कियों की ब्यूटी टिप्स काफी मिलेंगी, लेकिन आज मैं लड़कों के लिए एक ऐसा एक शानदार टोटका लाया कि अगर वो इन पर अमल करेंगे तो उन्हें किसी पार्लर में या कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर और गोरा कर सकते हैं। तो मेरी पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए अब चलते हैं टोटके की तरफ। मौसम के असरात से बचने के लिए थोड़ी सी दही, मलाई या दूध में 2 कतरे शहद मिलाकर दिन या रात में 10-15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा यह अमल दोहराएं। तो आप ये अमल करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्किन जो पहले से काफी ज्यादा फेयर होगी। तो दूसरा तरीका यह है कि एक केले को अच्छी तरह मैश कर लें और मैश करके 1 चम्मच दही, 2 कतरे बादाम, रोगन अच्छी तरह मिक्स करके पूरे चेहरे और गर्दन पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। इससे भी आपको अच्छे नतायज सामने मिलेंगे। जिल्द के लिए बादाम की पेस्ट भी बहुत अच्छे नतायज देती है। इसका तरीका यह है कि रात को बादाम भगो दें, सुबह इसका छिलका उतार कर मैश करें और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और दही या दूध मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। हाथों और पैरों की उंगलियों की गांठों पर पड़ने वाले काले धब्बों के इलाज के लिए रात को रोगने बादाम, रोगने जैतून या नॉर्मल नारियल के तेल का 15 मिनट तक मसाज करें। और इसके अलावा एक उबले हुए आलू की पेस्ट बना लें, इसमें 2 कतरे लीमू, आधा चम्मच शहद, थोड़ा सा दूध या दही या 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच रोगने बादाम मिलाकर हाथों और पैरों पर लगाएं। 20 से 15 मिनट तक ये मरकब लगा रहने दें और फिर मल मल कर उतारें। धोने के बाद नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 5-7 मिनट तक पांव के अंदर रखें और यानी जानों तक साफ कर लें। इससे उंगलियों के काले धब्बे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुसलसल ये अमल दोहराते रहना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि लड़कों के लिए थी। लड़की अगर ये टिप्स इस्तेमाल करें घर में तो उनको उनकी जो स्किन है वो जो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उनको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। तो आप मेरी इस टोटे पर अमल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।